सिखाएंगे कि एक्सक्यूजर को कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, किसी भी एक्सक्यूजर को कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, चलाने के लिए कौन कौन सी मेथड को, हमारा जो पोजीशन होगा वो क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि एक्सक्यूजर को ऑपरेट करने के लिए एक पास होते हैं, PASS, पास। पास का दोस्तों अर्थ होता है कि पुल द पिन, एम ऑफ द बेस, स्विच ऑफ द ग्रिप और स्वीपर ऑन द फायर। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए पुल ऑन द पिन, जो ये हमारा पिन है इस पिन को सबसे पहले पुल यानी खींचेंगे, और खींचने के बाद क्या करेंगे, एम ऑफ द फायर, जो जहां पर हमारी आग लगी हुई है वहां पर हम एम बनाएंगे, और एम बनाने के बाद दोस्तों हमारा यही पोजिशन रहेगा, यहाँ नोजल को हम पकड़ेंगे, और एस से दोस्तों स्विच, जो ये हमारा ग्रिप है इस ग्रिप को दबाएंगे, और उसके बाद स्वीपर मतलब कि झाड़ू की तरह जैसे दोस्तों ऐसे ऐसे करके हम आग पर हम करेंगे। दोस्तों इसमें एक बात होती है कि आग को कहाँ पर हम उसके कौन सी बेस पर उसको हम आग को इसमें एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों ये हम देखते हैं कि जो हमारी आग की जो फ्लेम होती है उससे हमको हमेशा ऑपरेट मतलब कि अपोजिट साइड में होना चाहिए, जिस तरफ उसका आग का फ्लेम निकल रही है या उसका जिस तरफ उसका आग का अपना जिस तरफ आग बढ़ रहा है उसके हमको अपोजिट होना चाहिए। थैंक यू।